हाय गाइस, मैं हूं कृष्ण और आज बात करेंगे जर्नी टू द सेंटर ऑफ वर्ल्ड की, जो कि आपका नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और इसमें ट्रेवर एंडरसन और उनके नेफ्यू जाते हैं आइसलैंड ट्रेवर के भाई और उसके नेफ्यू के फादर को ढूंढते हुए, और इसी सब में वो हेल्प लेते हैं ना कि जो कि एक गाइड है। और इस सफर में ना वो भाई खो जाते हैं और पहुंच जाते हैं गलती से सेंटर ऑफ द अर्थ में, जहां भाई अलग ही एटमोसफियर है, जहां अपना ही क्लाइमेट है, जहां अपने ही वेदर कंडीशंस है और एनिमल्स भी अपनी है। ये लगा लो वहां पे डायनासोर अभी भी है, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, और समुंदर अलग चल रहा है, बारिशें है, सब कुछ उसके अंदर अपना अलग चल रहा है, अपना ही एक इकोसिस्टम है, ठीक है, सूरज भी अपना है। तभी इन्हें पता चलता है कि ट्रेवर का भाई जो था वो भी यहाँ आया हुआ है, और है ना जो कि इनकी गाइड है उसके फादर भी यहाँ तक आए थे, बट वो यहाँ से कभी निकल नहीं सके। अभी क्या वहाँ से निकल पाएंगे, क्या इनकी ये जर्नी एडवेंचरस होगी, या ये अपने आप को बचा सकेंगे वहां से, तो ये सब देखने के लिए ना आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। पर भाई ये बात हो, ये मूवी बहुत बढ़िया है, तुम देखोगे तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें वो सेम 90s वाली फील मिलेगी। मतलब भाई जितना बोलूं उतना कम, इसको मैं भाई ओवरऑल 5 में से 4 देता हूं, 1 भाई आज के हिसाब से कम कर लो।